बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और राजद नेता इंजीनियर सुनील के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में अपहरण का केस दर्ज कराया गया है। और इन दोनों के खिलाफ जदयू विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का केस दर्ज कराया गया है। मधुबनी के हरलाखी के से जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने यह केस दर्ज कराया है। पटना पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और राजद नेता इंजीनियर सुनील के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में अपहरण का केस दर्ज कराया गया है। इन दोनों के खिलाफ जदयू विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का केस दर्ज कराया गया है। और मधुबनी के हरलाखी से जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने केस दर्ज कराया है। वहीं पटना पुलिस ने इस केस पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। हम देखिए, कल 11 फरवरी को ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है हम को। वो माननीय विधायक सुधांशु शेखर हरलाखी विधानसभा के हैं, उनके ही आवेदन प्राप्त हुआ है। उनके आवेदन में जो आरोप लगाए गए हैं, आवेदन जो प्राप्त हुआ उसको उसमें जो बातें आई हैं कि दो उनके माननीय विधायक हैं, बीमा भारती दूसरा दिलीप, ये दोनों को यहाँ से अपहरण का आरोप लगा है और साथ ही कुछ अन्य विधायकों पर उनका कुछ प्रलोभन देने की बातें जो आवेदन में है वो उसके ऊपर लगे हैं। हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जो आरोप लगे हैं वो सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। हर एक बिंदु पर जांच भी हमने प्रारंभ कर दिया है, अनुसंधान अभी कर रहे हैं, जो भी आपको बात आएगी हम आगे बताएंगे आपको। आरोप लगा है मुख्य रूप से, आरोप जो आवेदन में लिखे हैं वो इंजीनियर सुनील हैं एक, उनके ऊपर में मुख्य रूप से आरोप है। और साथ ही विधायक के पार्टी के विधायक रहे हैं उन पर संदेह को व्यक्त किया गया है। हम देखिए, कल 11 फरवरी को ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है हम को। वो माननीय विधायक सुधांशु शेखर हरलाखी विधानसभा के हैं, उनके ही आवेदन प्राप्त हुआ है। उनके आवेदन में जो आरोप लगाए गए हैं, आवेदन जो प्राप्त हुआ उसको उसमें जो बातें आई हैं कि दो उनके माननीय विधायक हैं, बीमा भारती दूसरा दिलीप, ये दोनों को यहाँ से अपहरण का आरोप लगा है और साथ ही कुछ अन्य विधायकों पर उनका कुछ प्रलोभन देने की बातें जो आवेदन में है वो उसके ऊपर लगे हैं। हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जो आरोप लगे हैं वो सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, पटना से खबर आ रही है कि जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और राजद नेता इंजीनियर सुनील के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया गया, अपहरण का केस दर्ज कराया गया है, क्या पूरा मामला है चंदन? बता दें कि कोतवाली थाने में जो है एक मामला दर्ज करवाया गया है और ये पूरी मामला जो है जदयू विधायक जो है डॉक्टर संजीव और राजद के इंजीनियर सुनील के खिलाफ जो है पटना के कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया गया है। और इन दोनों पर जो है जदयू के विधायक जो है बीमा भारती और दिलीप राय का अपहरण का केस दर्ज करवाया गया है। हालांकि इस पूरी घटना में जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है। आपको बताते चले कि मधुबनी के हर राशी से जदयू के विधायक हैं सुधांशु शेखर ने केस दर्ज कराया था, पूरी पटना के पटना पुलिस ने केस दर्ज कर ली है और पूरी मामले की अनुसंधान जो है वो शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर DSP जो है उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हर एक कड़ी पे मामले की जाँच हो रही है। तो बिल्कुल अभी तक केस जरूर दर्ज हो गई है लेकिन जांच हो रही है कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि कई आरोप जो है वो लगाए गए हैं। जी काजल जी चंदन, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।